जनमीडिया टीवी के खास प्रोग्राम यूपी मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आज हमें प्रयागराज के शहर दक्षिणी विधानसभा शहर उत्तरी विधानसभा क्षेत्र में और भाजपा के युवा चेहरा और बहुत ही लोकप्रिय चेहरा यहाँ पे हर्षवर्धन वाजपेयी जी हमारे साथ है। आपका बहुत बहुत स्वागत है जनमीडिया टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा चल रहा है चुनाव प्रचार और किस मुद्दे के साथ आप जा रहे हैं यहाँ पे? क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। आपके व्यूअर्स को मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत प्यार मिल रहा है जनता से, बहुत आशीर्वाद मिल रहा है और कहते हैं कि पहले के बाद दूसरा चुनाव टफ होता है। मैं सिटिंग विधायक हूँ लेकिन मैं 4 चुनाव लड़ चुका हूँ और सौभाग्य रहा है, ऐसा जनता का प्यार रहा है कि हम लोग का जनाधार हर चुनाव में बढ़ा है। दूसरे में पहले से ज़्यादा वोट मिला, तीसरे में दूसरे से ज़्यादा जब MLA बना। और पूरी उम्मीद है कि प्रयागराज का जो रिकॉर्ड है, हम लोग सबसे ज़्यादा मतों से 2017 में शहर उत्तरी में चुनाव जीते थे, इस बार मुझे लगता है कि जनता का जिस तरह प्यार मिल रहा है, हम लोग अपने भी रिकॉर्ड को तोड़ने का काम करेंगे। आप भाजपा का युवा चेहरा प्रयागराज में जाने जाते हैं, युवाओं के लिए क्या मुद्दे लेकर के आ रहे हैं और युवाओं का कैसा सपोर्ट? देखिए, कई एंगल्स इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। एक तो गवर्नमेंट सेक्टर जॉब्स की बात है, वो हम लोग की पूरी हम लोगों ने प्लानिंग की हुई है कि बहुत ढेर सारी जॉब्स निकाली भी थी, आगे भी निकालने की प्लानिंग हो रही है और बहुत अग्रेसिवली इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ डिफेंस कॉरिडोर और अन्य जो प्राइवेट सेक्टर के वो फैक्ट्रीज हैं, कारखाने हैं, उनको हम लोग यहाँ पे लाने वाले हैं। तो प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छी वेल पेइंग जॉब्स जिस तरीके का बैंगलोर और हैदराबाद में देखते हैं, वो प्रयागराज में आएंगी। और इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम लोग वर्क कर रहे हैं जिससे ये बड़े बड़े प्लेयर्स को प्रयाग में आने में कोई प्रॉब्लम ना हो। इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम लोग बहुत लार्ज इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, उससे भी जॉब्स क्रिएट होंगी। पिछला 5 साल रहा है, उसमें जनता को लेकर के आपसे क्या उम्मीदें हैं और हमारे माध्यम से जनता से क्या, आप जो आपके वोटर्स हैं, कोर वोटर्स, उनसे क्या अपील करना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपकी जनता से ये कहना चाहूँगा कि देखिए, जो अपनी बात का पक्का हो और जो पूरे वक्त में खड़ा हो और जिसकी नियत ठीक हो, ऐसे व्यक्ति को हमेशा चुनिए। मैं अपनी वकालत में फैसला जनता को लेना है, अपनी वकालत में तीनों मुद्दे पे एक एक पॉइंट बोलूंगा कि जहाँ तक बात के पक्के की बात है, मैंने 2017 में वादा किया था कि जब अगले चुनाव में आऊँगा तो शहर उत्तरी को रेलवे फाटक से मुक्त करके आऊँगा। आज आखिरी जो रेलवे फाटक है सलोरी वाला, उस पर भी पिलर बनना शुरू हो गया है। तो बात का पक्का हूँ, अंग्रेजों के ज़माने में जो काम नहीं हुआ करके दिखाया। दूसरी बात, जो बुरे वक्त में काम आए, जब पूरे प्रदेश में ऑक्सीजन खत्म हो गई थी, जब देश में ऑक्सीजन की शॉर्टेज थी, दिल्ली के अस्पतालों में केजरीवाल जी मैनेज नहीं कर पाए थे, तब प्रयागराज ऑक्सीजन सरप्लस था और हम लोगों ने 400 रुपए के रेट पे, जहां दुनिया पे ब्लैक मार्केटिंग 20,000 की हो रही थी, हम लोगों ने 400 रुपए रेट पे प्रयागराज और 10 जिलों को ऑक्सीजन दिया है। तीसरी बात, जिसकी नियत ठीक हो, मैं चाहता अनदेखी कर देता तो 2 महीने में कोरोना के टाइम में ऑक्सीजन से 5 करोड़ रुपए कमाता, लेकिन मैंने ऑक्सीजन का दाम नहीं बढ़ने दिया कि गरीब आदमी और मिडिल क्लास का जो आदमी हो ब्लैकमेल ना हो। तो ये अपनी वकालत में कह रहा हूँ, जो काम करे, जो बुरे वक्त में खड़ा हो, जिसकी नीयत खराब ना हो, उसको वोट दीजिए। अगर लगता है कि मैं वैसा हूँ तो अपने इस भाई को एक बार मौका फिर दीजिएगा। आप देख रहे थे हमारे साथ हर्षवर्धन वाजपेयी जी थे, जिन्होंने अपने अपने 5 साल के कार्यकाल का ब्यौरा दिया है और बताया है कि उनका जो नया रोड मैप है युवाओं के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करी है। हम शुभकामनाएं देते हैं कि आप रिकॉर्ड मतों से जीते हैं और यहाँ पे जो लोगों का जन कल्याण का काम है वो आप इसी तरह से निर्बाध रूप से करते रहे। जनमीडिया टीवी के लिए प्रकाश मिश्रा, कैमरामैन योगेश शुक्ला के साथ, धन्यवाद।